कैसे हैं दोस्तों? आज हम बात करेंगे 10 एफएल स्टूडियो शॉर्टकट्स के बारे में। जी हाँ, 10। हाँ जी, 10 जो बदल देंगे आपकी दुनिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ एफएल स्टूडियो के शॉर्टकट्स जो आपका वर्क फ्लो और अच्छा कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। इनमें से कुछ भाई आप होंगे जिनको आपको आते होंगे, पता होंगे, बट कुछ होंगे जिनको नहीं भी पता होंगे। सो हम अब टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम बहुत बेसिक से करेंगे, कॉपी और पेस्ट से। सो हमारे पास अगर कोई कॉर्ड बनी है, ठीक है, सो हम अगर इसको कॉपी करते हैं, सो वी हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस सी, और उसके बाद जैसे हमको पेस्ट करना है तो हमको कंट्रोल प्लस वी करना है। सो ये आ गया सॉरी, ठीक है, और कंट्रोल प्लस वी फिर से करा, तो ये कॉपी पेस्ट हो सकता है। हम किसी भी चीज़ को ऐसा कर सकते हैं, लाइक ए को हमने कॉपी किया सो सिर्फ ए ही पेस्ट होगा, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, सो ये हमारा बहुत ही सिंपल फर्स्ट था, कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हैं। सेकेंड हमारे पास है क्वांटाइज, कंट्रोल प्लस क्यू। अब क्या होता है, कई बार हम लोग ने कुछ रिकॉर्ड किया, ओके, सो अब ये प्रॉपर ग्रिड पे नहीं होता, ये आप लाइंस देख सकते हो, सो इस प्रॉपर ग्रिड पे नहीं होता है, ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हे ऐसे लाइक हमने रिकॉर्ड किया, हमसे प्रॉपर ग्रिड टू ग्रिड, लाइन टू लाइन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सो हम कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे एंड ये अपने आप क्वांटाइज हो जाएगा, अपने आप लाइंस में ग्रिड में आ जाएगा। थर्ड टिप हमारे पास है स्ट्रमिंग के लिए, कि लाइक हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, लाइक हमारे पास ये ए माइनर है, हम ए माइनर 11th कर देते, ओह सॉरी 9th कर लेते। सो अब हमको स्ट्रम करना है, कि स्ट्रम मीन्स हम जब गिटार में डाउन स्ट्रम करते हैं ट्रंग करके, ठीक है, सो हमारे पास ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट्स ऐसा कट हो रहे होते हैं, ठीक है, आ रहे होते हैं, सो हमने ऑल्ट प्लस एस दबाना है एंड हमारे पास ये स्ट्रम आ जाएगा, स्ट्रमर आ जाएगा। सो हमारे पास ये है स्ट्रमर की कुछ सेटिंग्स, जिनसे हम इफ टाइम है कि हम कितनी जल्दी चाहते हैं, ओके, ठीक है, अब इसको कम कर लेते हैं कि ये एकदम से आ जाएगा, नहीं तो इसको हम स्लो भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटीज है, आप नीचे देख सकते हो वेलोसिटीज भी चेंज होंगी, ओके, सो हम यहाँ से चेंज करके अपनी साउंड के साथ खेल सकते। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है कंट्रोल प्लस बी। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लाइक आपने एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, ठीक है, ए माइनर, ई माइनर, जी मेजर और एफ मेजर, ओके। अब आप क्या चाहते हो कि ये कॉर्ड प्रोग्रेशन आपका नेक्स्ट इसके आगे सेम एज इट इज कॉपी हो जाए, ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस बी एंड ये आपका एज इट इज सेम आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, डुप्लीकेट। अगर आप दोबारा करते हो कंट्रोल प्लस बी, ये आपका पैटर्न यहाँ पे भी ये शॉर्टकट अप्लाई होता है। अगर आप चाहते हो कि ये सेम पैटर्न आपका आगे भी प्लेलिस्ट में कॉपी होता रहे, सो आप कंट्रोल प्लस बी करोगे तो ये आपका आगे शिफ्ट होता चला जाएगा, आगे कॉपी होता चला जाएगा, डुप्लीकेट होता चला जाएगा। नेक्स्ट टिप जो हमारे पास है वो है हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट VST हो उसको मिक्सर चैनल में राउट करने के लिए। सपोज दैट हमारे पास ये FL कीज है, ओके, अब हम चाहते हैं इसको मिक्सर में करें, हम क्या करते हैं, बहुत से लोग यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे, या तो यहाँ से जाके ऐसे यहाँ से मिक्सर ट्रैक में डालेंगे, ठीक है, हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे हमने बस इसको सेलेक्ट किया, अब हमने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस L, ओके, जैसे हम कंट्रोल प्लस L करते हैं सो ये हमारा सेम जो हमारे पास एम्प्टी मिक्सर चैनल होता है उसमें शिफ्ट हो जाता है। हम और भी कोई अगर ये VST लेते हैं, हम इस पर भी कंट्रोल प्लस L करते हैं, सो ये उसके नेक्स्ट वाले मिक्सर चैनल जो खाली है, एम्प्टी है, उसमें जाके अपने आप राउट हो जाएगा, ओके। जो अगली टिप है हमारे पास वो थोड़ी सी मिक्सर चैनल से रिलेटेड है, लाइक हमारे पास ये जो 6th चैनल में हमारे पास मिक्सर चैनल में है, हम चाहते हैं ये 6th वाला 5th हो जाए, 5th वाला 6th हो जाए, सो हम अब जाके एक एक चेंज तो नहीं करेंगे, सो हमने क्या करना है, नॉर्मल शिफ्ट दबाना है और हमारे माउस का जो स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल है उसको हमने शिफ्ट करना है, सो हम इस पे जाके अगर स्क्रॉल करेंगे अप या डाउन, सो ये हमारा मूव होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर चाहते हैं 5th हो जाए तो हमारा ये 5th हो जाएगा, चाहते हैं FL कीज हमारी 9th हो जाए तो FL कीज 9th हो जाएगी। सो हमने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और स्क्रॉल। अब जो हम टिप की बात करने जा रहे हैं वो हमारी जूम इन एंड जूम आउट के रिलेटेड है, लाइक हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, इस टाइम हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है, लाइक हम इसको खुद ही फेक बड़ा कर लेते हैं ऐसा ऐसा पेस्ट कर करके, ओके, सो अब हम
इसमें जूम करके देखना चाहते हैं, ये लाइक आपके पास काफ़ी बड़ा सा प्रोजेक्ट है तो आपके हेल्प आएगी, ठीक है, काम आएगी। अब आप चाहते हो कि आप इस प्रोजेक्ट को जूम करके देखना चाहते हो कि यहाँ पे इस पोर्शन में क्या है, सो आपने यहाँ पे अपना एरो लेके गए, कंट्रोल प्रेस करके आपने अपना स्क्रॉल बटन यूज़ करना है एंड आपका वहाँ पे जूम हो जाएगा, सेम हॉरिजॉन्टली जूम होगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और इसको हम अगर फिर इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको वापस लेते हैं तो हमारा जूम आउट हो जाता है, ओके। अब इसी तरीके से आप चाहते हो कि आपका वर्टिकली जूम हो, आपके ट्रैक्स आपको बड़े बड़े दिखे, सो आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके सेम एज इट इज़ अपना कंट्रोल स्क्रॉल बटन को यूज़ करना है, सो आपका ऐसा वर्टिकल जूम होने लगेगा। एंड सेम आपने ऑल्ट प्रेस करके उसको अगर आप वापस लेते हो स्क्रॉल बटन को, तो आपका ट्रैक्स छोटे दिखने लगेंगे। अगर आप चाहते हो ऐसे छोटे छोटे ऐसे दिखने लगे तो ऐसे भी दिखेंगे, आप चाहते हो ऐसे तो ऐसे भी दिखेंगे, ओके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो हमारी है, हमारे सीपीयू पे जब लोड पड़ता है, हमारे पास काफ़ी हैवी प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं उस टाइम के लिए, लाइक मैं बीट बना रहा हूँ, ओके, एंड मेरे पास काफ़ी बड़ी बड़ी VSTs हैं, हैवी VSTs है, लाइक ऑमनीस्फीयर, कीस्केप, ये सब बहुत लोड लेती है सीपीयू पे। सो अब मेरे पास सपोज दैट यहाँ पे इस पैटर्न में हमारे पास ये FL कीज़ है, इसकी वजह से हमारे सीपीयू पे लोड पड़ रहा है, ठीक है। सो हमने इसको राउट किया हुआ है नॉर्मली, जैसे हमने इस सातवें चैनल में राउट किया हुआ है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हो आर्म डिस्क रिकॉर्डिंग ऊपर लिख के आ रहा होगा, सो इस पे हमने क्लिक करना है एंड प्रेस करना है ऑल्ट प्लस आर। अब हमारे इस ट्रैक में जितने भी साउंड्स होंगी उन सबका हमारा रेंडर निकल आएगा। यहाँ पे इस टाइम आपको चार बार दिखा रहा होगा क्योंकि हमारा ऊपर पैटर्न सेलेक्टेड है, ठीक है। हम इसको सॉन्ग पे कर लेते हैं एंड अब अगर हम ऑल्ट प्लस आर करते हैं तो हमारा यहाँ तक 26 बार तक जितने भी हमारे पास पियानो की एग्जिस्टेंस होगी इस ट्रैक वाली, उन सबका हमारे पास रेंडर आउट हो जाएगा। अब हमारे पास पियानो का रेंडर निकल चुका है, हम इस प्लगइन को यहाँ से ऐसा डिलीट कर सकते हैं, ओके। सो इस टिप की वजह से आपको, आप अपने सीपीयू के ऊपर से लोड कम कर सकते हो। अब वाली जो टिप है उससे हमारे वर्क फ्लो पे कम और हमारे मूड का उस पर ज़्यादा रोल है। लाइक हम ऐसा कोई साउंड प्ले कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट साउंड प्ले कर रहे हैं, सो हमको यहाँ पे मिक्सर में जो वेव फॉर्म्स दिख रहे हैं हम चाहते हैं ऐसे नहीं, कुछ और तरीके से आए, सो हमने क्या करना है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू करना है सो वो चेंज हो जाएंगे उसका, है ना, कि सो ऑल्ट प्लस डब्ल्यू से हम वेव फॉर्म को चेंज कर सकते हैं जो हमारे मिक्सर चैनल में आती हैं। कई भाइयों को हमारे ऐसे ऐसे अच्छी लगेंगी और कईयों को ऐसे अच्छी लगेंगी, सो इतनी सी चीज़ थी। हमने जो स्टार्टिंग में बात करी थी कंट्रोल प्लस बी वाले शॉर्टकट की, जिससे हम अपने सेलेक्टेड पार्ट को आगे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लाइक आगे इसके सेम आगे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, सो उसको करने का एक हमारे पास और भी तरीका है। हम शिफ्ट दबा के अपना लेफ्ट क्लिक माउस का दबाएंगे, सो हम उसको उठा के और कहीं भी रख सकते हैं, लाइक हमने ए माइनर के बाद यहाँ पे डी माइनर रख दी, देन अगेन शिफ्ट दबाया, फिर लेफ्ट क्लिक किया, और सॉरी उसको फिर हम उठा के ले गए ई माइनर रख दिया, सो हमारे पास इस तरीके से, और हम कंट्रोल प्लस बी वाले को एक और तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताओ कि आप और किस किस चीज़ पे वीडियोस चाहते हो, एंड थैंक यू सो मच।